अस्सलाम वालेकुम बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिनके लोगों के बहुत ज़्यादा चेहरे पर जब मेकअप होता है तो वो मेकअप उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि आपने मेकअप अपने चेहरे पर से कैसे उतारना है और क्या चीज़ें लेनी है जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से अपने चेहरे का मेकअप उतार सकती हैं। तो आइए जानते हैं कैसे हैं नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही उमदा नुस्खा लेकर आए हैं जो कि टिप्स समझ लें, क्योंकि ये जो बहुत सारी औरतें होती हैं इतने महंगे से महंगे क्लिंजर लेकर आती हैं जिससे जो है आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाता है, किसी के चेहरे पे जो है बहुत ज़्यादा निशानात आ जाते हैं और खुरदरा चेहरा हो जाता है। जो सस्ते प्रोडक्ट होते हैं उनको खरीद लेती हैं, चले भी कोई बात नहीं, थोड़ी सी पैसे की बचत कर लेती हैं, मगर इसमें जो है आपकी जिल्द का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आज हम आपको नुकसान से बचाने के लिए एक बहुत ही अच्छा जो है नुस्खा लेकर आए हैं जो कि बहुत ही लोगों ने इस्तेमाल किया, और ये जो है आप टिप्स समझ लें या नुस्खा समझ लें, कुछ भी समझ लें, मगर ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें जो चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, क्योंकि इसी तरह की मालूम और वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आप जो है घर बैठे ही ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल करते रहेंगे। क्योंकि जब आपको मेरी वीडियो ज़रूरत हो या आपको परेशानी हो तो आप बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी और आप जो है मुफीद और कारामंद उसके हासिल करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये जो आप देख रहे हैं गेंदे के फूल हैं, गेंदे के फूल जो हैं ये आपको आसानी से मिल जाएंगे, किसी भी पार्क से लेकर आ सकते हैं, मगर इसकी ताज़ा पत्तियां आपको चाहिए, ताज़ा पत्तियां होनी चाहिए। अगर आप घर में लेकर आते हैं गेंदे के फूल तो आप फ्रिज में रख लें, क्योंकि अब सारा दिन तो आपका मेकअप लगा रहा होगा, रात को साफ करना था तो आपकी पत्तियां मुरझा सकती हैं, तो आप किसी कागज़ के अंदर जो है फ्रिज में रख सकते हैं, इसमें जो है आपकी पत्तियां ताज़ा रहेंगी। ये तो हो गया तरीका जिससे आपने अपनी पत्तियों को ताज़ा कैसे रखना है। तो दूसरी बात यह है कि जब ये पत्तियां आप लेकर आए तो इसको जो है आपने फूलों में से इन को पत्तियों को अलहदा अलहदा एक एक पत्ती को तोड़ लेना है, और तोड़ने के बाद जो है आपने इस तरह तोड़ने के बाद एक एक पत्ती जो है आपने अलहदा अलहदा कर लेनी है, और आपने 1 से 2 गिलास पानी ले लेना है जो कि इस वक्त पानी आप देख रहे हैं। 1 से 2 गिलास पानी जब आप ले लेंगे तो इसमें जो है आपने 3-4 फूल लेकर आने हैं और इस पत्तियों को आपने पानी के अंदर भिगो देना है। 2 गिलास पानी में डालकर आपने इस पत्तियों को रख देना है, थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख दें। तकरीबन 5 मिनट बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा उबाल लेना है। जब ये उबल जाएगा तो इस पत्तियों का जो पानी के अंदर असर आ जाएगा, हल्की आंच पे जरा उबालिएगा क्योंकि ये जो है आस्ते आस्ते इसका कलर जो है पानी में आ जाएगा। तकरीबन 5-10 मिनट आपने इसको जो उबालना है उसके बाद आप उतार लें, इसको ठंडा होने दें। ठंडे होने के बाद आप इसको छान कर एक बोतल में ये पानी आप रख लें। जब भी आप मेकअप साफ करना हो तो रुई लें, काटन लें और इसे जो है इस पानी में भिगो कर चेहरे पर मले, आपका मेकअप उतर जाएगा। और दूसरी रुई को इसी पानी में भिगो कर चेहरे पर लगा के और सो जाएं, जिल्द आपकी साफ और शफाफ रहेगी और खूबसूरत भी हो जाएगी। तो ये उमदा तरीका है, सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका है जो कि मेकअप उतारने के लिए है। आपका जिल्द का भी मसला हल हो गया और आपकी परेशानी भी खत्म होगी और आपके पैसे भी बच गए, और घर के अंदर ये बनाकर आप रख सकते हैं। एक ही दफा बनाकर रख ले और ये बार बार आपको बनाने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। अपने मेकअप के सामान में ये बोतल बनाकर रखें, जैसे ही आप मेकअप उतारना हो बोतल निकालें और इसी तरीके से आप इस्तेमाल करें जिस तरह मैंने आज आपको बताया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मैं अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ ताकि वो भी लोग जो है परेशान हैं वो भी इस परेशानी को अपने को दूर कर सकते हैं इस नुस्खे से जो मैंने आज आपको बताया। और ये बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही कारामद तजर्बे से गुजरा हुआ नुस्खा है जो कि मैंने आज आपको बता दिया। आज मैंने भी जो है इसको इस्तेमाल किया था, पहले भी इस्तेमाल कर चुकी थी, मगर इसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहे और जो है जिल्द बहुत नरम और मुलायम रही। तो आप भी इस्तेमाल कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चलते चलते बेल आइकन को ज़रूर दबाकर जाना है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आपके लिए हाजिर होते हैं रोज़ाना, और ताकि आपकी परेशानी हम हल करते रहें और आप फ़ायदा उठाते रहें। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।